पहाड़ों की रानी शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को क्रिसमस के दिन शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। इस विंटर कार्निवल का आगाज महानाटी के साथ हुआ। विंटर कार्निवल के चलते सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा पुलिस को भी सैलानियों को तंग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि यदि कोई सैलानी नशे में ज्यादा झूम रहा हो तो पुलिस उसे हवालात में नहीं डालेगी, बल्कि उसे उसी होटल तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटकों से कानून की पालन करने की भी अपील की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने कैबिनेट में फैसला लिया था कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक 24 घंटे दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाएगी। पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाला किसी पर्यटक को परेशान नहीं करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि हमने पुलिस से भी कह दिया है कि अगर कोई पर्यटक नशे में झूम जाए तो उसे जेल में नहीं डालना है, उसे होटल पहुंचाना है और वहां जाकर उसे सुला देना है, ताकि उसके मन में ये ना आए कि मैं तो यहां मजे करने आया था और अब हवालात की सैर कर रहा हूं। हमने सिर्फ पर्यटकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खाने पीने की चीज़ों पर अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है, पूरी रात खोल सकता है। कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि कोई पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है और उसको आराम से उसको सुलाना है, ताकि वो हमको उसके मन में ये ना रहे कि मैं करने तो इंजॉय आया था और यहाँ हवालात की हवालात की सैर कर रहा हूँ। तो हमने उन टूरिस्टों को खासकर टूरिस्टों के लिए, ये नहीं है कि हिमाचल के लोग यहाँ हुल्लड़बाजी करते रहे, टूरिस्टों के लिए हमने ये कहा है और उसकी नोटिफिकेशन कर दी है 20 से 5 जनवरी तक, और पिछली बार भी हमने की। इससे क्या होगा कि जो बेचारे रात को पर्यटक आते हैं उनको खाने की कोई समस्या नहीं होगी, इस दृष्टि से हमने ये फैसला लिया है।